मशीनीकरण ने खेती कार्यों को काफ़ी हद तक आसान जरूर कर दिया है। एक वक्त था जब खेत में गोबर की खाद डालना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। एक ट्रॉली भरने के लिए 3 से 4 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी और पूरे दिन में लगभग 5 से 6 ट्राली खाद बड़ी मुश्किल से पड़ती थी, लेकिन आज आप 1 घंटे में ही उतना काम पूरा कर सकते हैं। इससे समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि अपने जिन 4 से 5 मजदूरों को अपने मजदूरी देनी होती थी, उससे भी कम पैसे में ट्रैक्टर लोडर से आप इनको लोड करवा कर अपने खेतों में खाद डलवा सकते हैं। आजकल लगभग सभी किसान भाई खेती के साथ साथ सहायक धंधे के रूप में पशुपालन भी करते हैं और पशुओं से प्राप्त अवशिष्ट यानी गोबर को अपने खेतों में उपजाऊपन बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। आपको बता दें कि सीधी गोबर की खाद यानी ढेरी वाली जो खाद है, इसका असर 3 से 5 साल तक रहता है। हालांकि साधारणतः रूढ़ी वाली खाद के अंदर मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो मेजर फर्टिलाइजर हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा वर्मी कंपोस्ट की तुलना में थोड़ी कम जरूर पाई जाती है, लेकिन इसको बनाना काफ़ी आसान है। लगभग प्रति एकड़ 5 से 6 ट्राली कम से कम अगर आप गोबर की खाद डालते हैं तो आपकी फसल में काफ़ी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। इस समय समूचे भारत में लगभग डीएपी खाद की भारी किल्लत चल रही है। ऐसे में अगर 5 से 6 ट्राली गोबर की खाद अगर आप डाल करके गेहूँ, सरसों, चना इत्यादि की बिजाई करते हैं तो आपको डीएपी खाद की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और बिन पैसे की इस खाद का असर आपको अपने खेतों में अगले 3 से 5 साल तक फसल उपज वृद्धि में देखने को मिलेगा। इससे न केवल फसलों की उपज ज्यादा होगी बल्कि आपके खेत का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा। इसके प्रयोग से खेत की मिट्टी भुरभुरी बनेगी और साथ में उपजाऊपन बढ़ने के साथ साथ जल ग्रहण क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे जल भराव जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी।